Hello everyone, this is Mansi from evidyanti.in. Now we are starting with question number 7, exercise 7.3. So in this question we have reduced the following fraction to simplest form. Ab yahan pe jo aapke paas fractions given hai, unko aapko simplest form mein karna hai. Simplest form mein matlab jaise ki yahan pe hai 48 upon 60. To ye bade bade number hai, to inko sabse simple form mein le aana hai. Jaise ki agar main kahun 4 upon 5, to ye ek सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिकॉज आगे आप इसको कट नहीं कर सकते, किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आते. एंड अगेन इफ आई टेक 6 एंड 3, 6 अपॉन 3, सो दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज ये दोनों अभी 3 के टेबल में आते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 2 अपॉन 1, राइट. सो इन दिस वे हमें ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अभी के लिए वी जस्ट डिस्कस 3 ऑफ देम, जो कि तीनों बहुत इजी मेथड्स हैं. आपको उनमें से जो भी मेथड लगे कि ये बहुत सिंपल है, मुझे इस मेथड से करना है, तो आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. नाउ वी हैव 48 अपॉन 60. तो सबसे पहला मेथड ये है कि आप इस फ्रैक्शन के दोनों नंबर्स में देखो, क्या ये दोनों नंबर्स किसी के टेबल में आते हैं. सो हियर 48 और 60 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं. सो 12 इंटू 4 इज 48 एंड 12 इंटू 5 इज 60. नाउ 12 से 12 कैंसिल, वी गेट 4 अपॉन 5, राइट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड. अब आपका आंसर यहीं पे आ चुका है, लेकिन अभी के लिए हम बाकी के दो मेथड्स भी डिस्कस करते हैं. ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कि कॉमन टेबल देख लो, किसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं. नेक्स्ट वी हैव इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं. हाउ टू डू दैट, सबसे पहले 48 लेंगे हम, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. सो ये 2 के टेबल में आता है, दिस विल बी 2. देन अगेन विद 2 से करेंगे 1 2, देन अगेन विद 2 6 2 3, देन 3 1, राइट. सो हमारे पास 48 के ये सारे फैक्टर्स आ गए. नेक्स्ट हम 60 को भी प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, 2 से करते हैं, दिस विल बी 3 0, अगेन विद 2 1 5, अगेन विद 2, सॉरी नाउ वी हैव टू डू इट विद 3, सो वी गेट 5 5 एंड 1. अब देखो 48 के जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आए हैं, लेट्स राइट इट डाउन. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 3 अपॉन, इसके बाद 60 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 5. अब इसमें से जो कट कर सकते हो वो कट कर दो, 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो वील गेट 2 into 2 is 4 अपॉन, नीचे बचा 5. सो यू कैन सी इस मेथड से भी आंसर 4 अपॉन 5 ही आएगा. सो ये था हमारा सेकेंड मेथड, विच वॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब आते हैं अपने लास्ट मेथड पे, दैट इज कटिंग ऑफ. सो 48 अपॉन 60 है, अब इसको आप कट करते हुए जाओगे. जैसे अगर कुछ बड़े नंबर्स और आपको नहीं याद आ रहा कि किसकी टेबल में आते हैं, सो हमने डिविजिबिलिटी सीखी है. यहाँ पे 8 और 0 है लास्ट में, तो मतलब दोनों 2 से डिविजिबल है. सो 2 into 2 is 4, 2 into 4 is 8, सो ये आ गया 24. देन 2 into 3 is 6 एंड साथ में 0, सो वी हैव 24 and 30. नाउ 24 और 30 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, छोटे टेबल्स में तो गेस करना बहुत इजी है. सो दिस विल बिकम 8, बिकॉज 3 into 8 is 24, 3 into 10 is 30. नाउ वी हैव 8 and 10, सो 8 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, सो दिस विल बी 2 4 8 एंड 2 into 5 is 10, सो वी आर लेफ्ट विथ 4 अपॉन 5. सो यू कैन सी तीनों मेथड्स में हमारा जो आंसर आ रहा है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आ रहा है, दैट इज 4 अपॉन 5. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने तीनों मेथड डिस्कस करे हैं. अब आगे के पार्ट में हम किसी भी सिंपल से एक मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में वी हैव 150 अपॉन 60. अब इसको आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है,
तो सबसे पहले तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है और दोनों में लास्ट में जीरो है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल इन द सेंस, या फिर इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे जीरो है, सो दिस मीन्स 15 × 10, 15 × 10 इज 150, सिमिलरली 6 × 10, सो 6 × 10 इज 60. नाउ वी कैन कट, यहाँ पे दोनों 10 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारे पास बचा 15/6, राइट. सो 15 और 6 दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों ही हमारे पास 3 की टेबल में आते हैं. सो 3 × 5 इज 15 एंड 3 × 2 इज 6. सो नाउ वी हैव द फ्रैक्शन 5/2. अब इसको आगे आप कट नहीं कर सकते, सो दिस मीन्स दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150/60. ओके, सो दिस वॉज द बी पार्ट. नाउ इट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the C part. C part में we have 84/98. अब 84 और 98 दोनों ही 14 के टेबल में आते हैं. So 14 × 6 is 84 and 14 × 7 is 98. Right? So अब हम 14 से 14 cancel कर देंगे and we are left with 6/7. अब 6/7 को हम और ज्यादा इसको cut नहीं कर सकते. So this will be the simplest form of 84/98. Okay, so this was the C part. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part mein we have 12/52. Ab 12 aur 52 dono hi kisi table mein aaye, wo table abhi to hame exact table to nahi pata jisme dono numbers change. So what we can do is we can go for the method jisme hum cut kar sakte, like ab ye dono exactly kis table mein aate ye nahi pata, lekin ye dono 2 से डिविजिबल है. सो 2 × 6 इज 12 एंड 52 की जगह 2 को अगर आप 52 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 2 × 2, 4, दिस विल बिकम 12, सो दिस विल गेट 26. सो वी हैव 6/26. अगेन 6 और 26 दोनों किस टेबल में आते हैं, अगेन वी डोंट नो, बट ये दोनों फिर से 2 से डिविजिबल है. सो 2 × 3 इज 6 एंड 2 × 13 will be 26, because 13 × 2 is 26, right? So we have 3/13. अब 3 और 13 को हम कट नहीं कर सकते. So this means this is the simplest form of 12/52. Okay? So this was part number D. Now let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में we have 7/28. Now it's very easy. 7 और 28 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं. सो 7 × 1 इज 7 एंड 7 × 4 इज 28. सो वी हैव 1/4. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/28. नाउ दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.